गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। उनके बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा, आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है मुझे बहुत आघात लगा है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पर रखा हो उनसे कोई देश में उम्मीद ही नहीं करता था कि इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। गहलोत ने कहा कि पहले सोनिया गांधी बीमार थी तब भी गुलाम नबी ने पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप के लिए अमेरिका गई हैं उस वक्त पत्र लिखकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? जिनको हमेशा पदों पर रखा हो, केंद्रीय मंत्री, रियासत के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको? ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आने ही नहीं जाती थी, हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कह रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा, आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र साया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ है। वो संजय गांधी के वक्त में चापलू माने जाते थे सब लोग, आज जिनको चापलू वो कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूसी माने जाते थे, साइकोफेंड माने जाते थे उस वक्त में, और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते जैसी उम्मीद राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता।